Hello students, welcome to the class. I am Puneet Tukral, working as senior lecturer in physics. After going through this video, you will going to understand what is a carbon resistor. A carbon resistor kya hota hai? Color coding of a carbon resistor kya hota hai? Ye ek nayi cheez hai jo hum seekhenge isme. Aur resistances ko hum kaise different combinations mein rakh sakte hain? और उनसे एक डिजायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन. हमने ऑलरेडी अपने 9th या 10th में पढ़ा है. हम इसको थोड़ा और इलैबोरेट तरीके से समझेंगे. एक दो चीज़ों से यहाँ देखेंगे कि रिजल्ट हमारे कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे और समझेंगे कि रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर क्या होता है और उसकी कलर कोडिंग क्या होती है. ये एक नई चीज़ है जो आज हम सीखेंगे. सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जैसे कि हम अपने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, हम ये पढ़ते आ रहे हैं दैट इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट. इट गिव्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर. लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. तो अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं किसी भी एक मटेरियल की या एक कंडक्टर की होती है. तो रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने के लिए, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की डिजाइनिंग में जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगता है. तो क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप कोई भी एक डिवाइस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज दी जाती है कि आप इसी के ऊपर इस डिवाइस को चलाएंगे. और अगर हम उस डिवाइस को चलाना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा करंट आए या कम करंट आए, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं. तो एक रेजिस्टेंस भी एक कंपोनेंट है जो उसमें कोलैबोरेट किया जाता है जिससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए. तो जो हमारे ये यूनिट है वो ओम्स होते हैं. और अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी एक रेजिस्टेंस चाहिए किसी भी, या किसी भी कंपोनेंट में हमें कोई रेजिस्टेंस लगाना है, तो हम कोई नॉर्मली एक सिंपल वायर या उसको मोल्ड करके या उसको फोल्ड करके नहीं लगा सकते. तो अगर हमें एक बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो हमें बड़ी हेल्प करते हैं एक हाई रेजिस्टेंस को डिजाइन करने के लिए. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन रेजिस्टर होते क्या हैं. तो कार्बन रेजिस्टर यहां पर जैसे मैंने लिखा है, दीज आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर विच आर प्रेस्ड एंड देन मोल्डेड इनटू सिलेंड्रिकल रॉड्स बाय हीटिंग. तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी बताई है कि कार्बन रेजिस्टर बनता कैसे है, कि कार्बन ब्लैक होता है, उसके साथ क्ले और रेजिन बाइंडर रखा जाता है और फिर उसको हीट किया जाता है और सिलेंड्रिकल रॉड्स में उसको काट दिया जाता है. अब ये सिलेंड्रिकल रॉड का साइज कितना होता है, तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ बताऊंगा कि आपने अपना पेन देखा है, उसके अंदर रिफिल होता है. रिफिल के आगे जो आपकी टिप होती है छोटी सी, या रिफिल कोई देख लीजिए, तो रिफिल जितनी ये पतली सी सिलेंड्रिकल रॉड टाइप होती है जिसको उसमें कट डाउन किया जाता है कितनी रेजिस्टेंस हमें चाहिए उस हिसाब से. और उसके बाद है द रॉड्स आर मोल्डेड इनटू प्लास्टिक और सिरामिक जैकेट्स. तो जो आपके रॉड्स हैं उनको हम प्लास्टिक में रखते हैं एज ए इंसुलेटर की तरह, ताकि जब हम उसके साथ कनेक्टिंग वायर्स लगाएं या कनेक्टिंग लीड्स लगाएं, क्योंकि जब हम उसको कंपोनेंट में तो कहीं लगाना है तो उसको हम ऐसे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जो उसके साथ जो कनेक्टिंग लीड्स होंगी वो किस तरह से लगे ताकि हमें कोई बाहर से उसकी कोई लीकेज ऑफ करंट ना हो, सिंस इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. बट फिर भी हमने उसको किस तरह से एक पैकेट में उसको मोल्ड करना है, तो हम उसको प्लास्टिक और एक सिरामिक की जैकेट उसके ऊपर मोल्ड करके लगा देते हैं और बाद में उसके बाहर से कनेक्टिंग लीड्स लगा देते हैं. अब एडवांटेजेस क्या है हमारे कार्बन रेजिस्टर? तो ये जो कार्बन रेजिस्टर है ये इनकी वैल्यूज जो होती है वो फ्यू ओम्स से मिलियन ओम्स तक हम डिजाइन कर सकते हैं. तो थोड़ी सी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो कार्बन रेजिस्टर हमें उस रेंज में भी मिल जाएगा. और अगर हम मेगा ओम जितनी वैल्यूज लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो
तो हमें वहां पर कार्बन रजिस्टर के थ्रू वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं या उसको डिजाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चीप और कम्पैक्ट होते हैं, मतलब ये छोटे से आप एक सिलेंड्रिकल जैकेट में यू विल गेट अ मिलियन ऑफ ओम्स। वो कैसे है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और ये चीप है, अगर आप कहीं मार्केट में जाएंगे आपको 5-10 रुपए में एक नॉर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस चाहिए तो उसकी कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं होगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं और कम्पैक्ट रहेंगे। तो कार्बन रेजिस्टर क्या हो गए, ये हो गए कि ये कार्बन ब्लैक क्ले और रेजिन बाइंडर से बनते हैं और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो फ्यू ओम से मिलियन ओम्स के बीच में रेंज करती हैं और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितनी वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आप ग्रे कलर का पोर्शन देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस मटेरियल है जिसके अंदर कार्बन कंपोजिशन है, क्ले है, कार्बन है, रेजिन बाइंडर है, तो वो सब कुछ डाल दिया गया है। और उसके बाद लीड्स दिखाई गई हैं और उसके बाद इंसुलेशन कोटिंग। इंसुलेशन कोटिंग कौन सी होगी आपकी, या तो सिरामिक या प्लास्टिक जैकेट, तो वो इंसुलेटेड रहेगा। अब ये आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, कलर बैंड्स क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं, ये कलर बैंड्स ही डिटरमाइन करते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कितनी उसकी वैल्यू है, किस तरह का कौन सा कलर होगा वो कितनी रेजिस्टेंस बनाएगा वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये कलर कोडिंग जो है यही डिटरमाइन करती है कि कार्बन रेजिस्टर की क्या वैल्यू होती है। तो ये आपने कंपोनेंट आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा है, सपने आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि जब कभी भी आपके पास कोई टॉय है या जब टॉय टूटता है तो आप देखते हैं उसमें से कि ग्रीन कलर की प्लेट होती है और उसके बाद छोटे छोटे कोई ब्लैक कलर के कोई कलरफुल से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सोल्डर किए गए होते हैं। तो ये वही चीज़ है जो आप छोटी छोटी चीज़ों को सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो आपने देखा होगा, तो ये आपका एक कार्बन रेजिस्टर है। तो आप इस कार्बन रेजिस्टर का जो हमने पीछे ब्रेकअप टाइप देखा था कि जो उसका इंटरनल पार्ट हमने देखे थे, ये क्लोज्ड है, ये पूरा एक कंपोनेंट बना के उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपका कार्बन रेजिस्टर किस तरह का दिखता है। तो ये जो कार्बन रेजिस्टर है आप देखें यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं ये ही डिटरमाइन करते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस कितनी है। तो ये एक कार्बन रेजिस्टर की आपका कंपोनेंट पिक्चर है। कार्बन रेजिस्टर अगर कभी आप देखें, अगर कभी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपका कोई ख़राब होता है और कभी आप देखते हैं कि वो टूट गया है और एक ग्रीन कलर की प्लेट जो सोल्डर टाइप में निकलती है आपके उस कंपोनेंट में, तो उसके ऊपर जब आप इस कंपोनेंट को देखेंगे और जब आप उसके ऊपर कलर्स को देखेंगे तो आप एकदम से बोलेंगे कि ये एक रेजिस्टर होता है, ये एक रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर। अब कलर कोड क्या होता, अब जैसे मैंने आपको पीछे कंपोनेंट में दिखाया कुछ कलर कोडिंग थी उसके ऊपर, तो ये कलर कोड होता क्या है, कलर कोड क्या है, फॉर वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम वी यूज कार्बन। मतलब कार्बन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें रेजिस्टर ऑफ मेगा ओम चाहिए, बहुत ज्यादा ओम्स की हमें एक वैल्यू चाहिए, तो जिसमें वो रेजिस्टेंस को हम यूज कर कार्बन को हम एज ए रेजिस्टेंस यूज करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द पीस इज मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड कॉल्ड कलर कोड। तो आप जरा पीछे वाले डायग्राम पे फिर से थोड़ा अपना ध्यान लीजिएगा। तो जो हमने कम्पैक्ट फॉर्म में आपको एक फॉर्म दिखाई उसमें आपने देखा कि एक प्लास्टिक जैकेट में दो लीड्स हैं, उसके ऊपर कलर्स लगे हुए हैं, तो ये जो कलर्स हैं ये आपकी कलर कोडिंग बताते हैं, ये बताते हैं कि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। और अगर हमें मेगा ओम जितनी रेजिस्टेंस चाहिए तो हम कार्बन यूज करेंगे और उसके ऊपर कलर कोडिंग को यूज करेंगे। तो ये कलर कोडिंग का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो हमने नीचे लिखा है कि कलर कोडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। A color code is used to indicate the resistance value of a carbon resistor and its percentage accuracy. Percentage accuracy कहने का मतलब, अब हमने एक रेजिस्टेंस को डिजाइन कर दिया, अब रेजिस्टेंस हम बोलें कि ये 10 ओम का है, तो हम क्या करते हैं उस कार्बन रेजिस्टेंस को एक रेंज सेट कर देते हैं कि सपोज उसकी रेंज जो है वो 12 से 8 ओम के बीच में है, तो जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम और 12 ओम के बीच में आपको जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो कार्बन रेजिस्टर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू हमें देगा एक परसेंटेज एक्यूरेसी के अंदर, कि अगर सपोज हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी करंट जो है वो 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहती है, तो हम 8 और 12 ओम के रेजिस्टेंस के बीच को उसमें लगा देंगे। तो क्या है, तो 10 ओम चाहिए था,
आठ वाला भी उसको आराम से जाने तो देगा, लेकिन 10 ओम की वैल्यू भी है उसको, तो वो उसको उसी हिसाब से ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो करता जाएगा। तो कलर कोडिंग क्या होती है? कलर कोडिंग इंडिकेट करती है रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कार्बन रेजिस्टर, क्योंकि इसके ऊपर कोई आपने अपनी उस डायग्राम में देखा, उसमें आप पिक्चर में देखा आपने कि उसके ऊपर हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है, हमने उसके ऊपर सिर्फ कलर्स के साथ इंडिकेशंस दी है, और वो कलर्स हमें हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो अभी आया है रेजिस्टेंस कलर कोड टेबल, मैं यहाँ पर आपके सामने एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ टेबल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कलर, तो देखिए मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ये जितने भी कलर्स हैं ये आपको अपने एक कार्बन रेजिस्टर के ऊपर दिखाई देंगे, इन्हीं कलर्स में से आपकी जो है कार्बन रेजिस्टेंस की मार्किंग होती है। उसके बाद लेटर दिखा है मैंने एज एन एड टू मेमोरी, जैसे ब्लैक को बी, ब्राउन को भी बी है, रेड को आर दे दिया, ऑरेंज को ओ, येलो को वाई एंड सो ऑन, हम उसको देते जा रहे हैं। और उसके बाद नंबर्स दे दिए, जैसे ब्लैक को 0 है, ब्राउन को 1 है, रेड को 2 है, ऑरेंज को 3, इस तरह से 0 से लेकर 9 तक हमने नंबर्स दे दिए। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चीज चल रही है, लेकिन आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइए बच्चा, आप इसको देखते जाइए कि ये किस तरह से काम करेगा और किस तरह से हमें इसको करना है। और उसके बाद हमने मल्टीप्लायर लिख दिया, तो मल्टीप्लायर जो नंबर है उसकी पावर हमने 10 टू रेस पावर कर दी, जैसे 10 है 10 रेस पावर 0 कर दिया, ब्राउन का 10 रेस पावर 1 कर दिया, रेड का 10 रेस पावर 2 कर दिया, ऑरेंज का 10 रेस पावर 3 कर दिया, इस तरह से 10 रेस पावर 9। और आप गोल्ड और सिल्वर का देखेंगे 10 रेस पावर माइनस 1 और 10 रेस पावर माइनस 2 है। अब ये जो गोल्ड है, अगर मैंने आप जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में हमारे को जो अगर रेजिस्टेंस चाहिए ऑफ फ्यू ओम्स टू मेगा ओम, तो आप देख सकते हैं कि हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 रेज़ टू 9 तक ले सकते हैं इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ अवर ग्रेट हेल्प ऑफ मेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए मेगा ओम्स ऑल्सो। उसके बाद कलर एक और लिया है, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, और फिर टॉलरेंस दी है। टॉलरेंस इज द परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द रेजिस्टेंस, ये हमें बताएगा कि रेजिस्टेंस की कितनी एक्यूरेसी है, किस रेंज तक वो लाइक कर सकता है। गोल्ड की जैसे मैंने 5% लिखी है, सिल्वर की 10% लिखी है, और नो कलर की 20% लिखी है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, सबसे पहली चीज कलर राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, और लेटर उनके आगे लिख लिया आपने। ये मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, बी से ब्लैक है और बी से ब्राउन है, तो ये याद रखना है आपने, ये ना हो कि आप बी से ब्लू याद रख लें, ब्लू नीचे आने वाला है, बहुत नीचे। तो नंबर्स दे दिए हमने 0 से 9 तक, तो वो वाइट तक 9 तक जाएंगे आपके। मल्टीप्लायर दे दिया हमने, मल्टीप्लायर हमारा 10 रेज़ टू पावर 0 से लेके 10 रेज़ टू पावर 9 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 गोल्ड और सिल्वर के लिए। और वही गोल्ड और सिल्वर मैंने दोबारा से लिखा है जो हमें परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बताएगा ऑफ योर कार्बन रेजिस्टर। तो गोल्ड के लिए 5% है, सिल्वर के लिए 10% है, और नो कलर के लिए 20%। आई होप आप सब ने ये लिख लिया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका टेबल है इसमें कलर आएंगे, कलर के नीचे आप कलर लिख लीजिए, लेटर कैसे याद रखना है उसको लिख लीजिए, नंबर्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लायर लिख लीजिए और कलर लिख लीजिए, और उसके लिए टॉलरेंस। तो एक चीज और याद रखिएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ये इसकी कोई टॉलरेंस नहीं है। जो कलर मैंने 3 लिखे हैं वो एक अलग से कॉलम के लिए हैं, टॉलरेंस वो परसेंटेज एक्यूरेसी सिर्फ 3 की होगी आपकी, गोल्ड की, सिल्वर की और नो कलर की। लिख लिया आप लोगों ने और इसको समझ भी लिया। चलिए हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमें कलर कोडिंग को याद रखना है। अब कलर कोडिंग हम कैसे याद रख सकते हैं, अब आप देखिए मैंने हर एक डिफरेंट जैसे अब आपने पिछली डायग्राम जो आपने पिछले टेबल देखा है, टेबल लिख लिया आप लोगों ने,
अब उस पर ध्यान दीजिए, देखिए जरा, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है और वाइट है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, बीबी रॉय, आपके पांच कलर याद हो गए आपको इसमें, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बीबी रॉय। रिमेंबर, बीबी रॉय ऑफ ब्लैक है, इसका कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए हमें कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, जी ग्रीन आ गया, बी ब्लू आ गया, ग्रेट ब्रिटेन, तो बी ब्लू आ गया आपका। वेरी गुड वाइफ, वी इज फॉर योर वायलेट, जी इज फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू वाइफ इज, डब्ल्यू जो है वो वाइफ का, वो नाइन जो वाइट है। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ये एक तरीका है जो एक नॉर्मल हम अपनी बुक्स में भी देखते हैं और हम भी ऐसे याद करते हुए आए और हमने आगे उसको पास ऑन किया और आप भी उसको ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कुछ बना सकते हैं कि इसको याद करने का, हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, तो आप उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो आपका पार्ट है आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जैसे आपने याद रख लिया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो इसमें कलर्स हमें याद हो गए, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो उनके नंबर्स मैंने नीचे एरोस के दिए हैं, ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। आई होप आपको ये याद हो गया होगा और इंटरेस्टिंग से लग रहा होगा आपके सब, क्या जो हम ये कलर कोडिंग पढ़ने वाले हैं, मजेदार चीज है ये। अब यहां पर अब आप समझिए, आप जस्ट याद कीजिए, आपने वो जो डायग्राम देखा, जो आपने पिक्चर देखा, चार बैंड्स थे उस पर, चार कलर बैंड्स थे। तो जब कभी भी हम कलर कोडिंग पढ़ते हैं तो इसको दो सिस्टम्स में पढ़ा जाता है, मतलब कि आजकल जो मार्केट में आपको जो रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं, कार्बन रेजिस्टेंसेस, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे बैंड भी मिलेंगी, आपको एक टाइप में और मिलेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम फर्स्ट सिस्टम की बात करते हैं कि फर्स्ट सिस्टम क्या है। ए सेट ऑफ कलर्ड कोएक्सियल रिंग्स और बैंड्स प्रिंटेड ऑन द रेजिस्टर। तो आप याद कीजिए, वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म था, उसके ऊपर चार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, तो कोएक्सियल रिंग्स एक ही एक्सिस पे, कोएक्सिस पे आपने चार रिंग्स फोल्ड करके रखे हैं उस सिलेंड्रिकल फॉर्म पे, और वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड रिप्रेजेंट्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ 10, याद कीजिए मल्टीप्लायर आ गया आपका 10^0, 10^1। फोर्थ बैंड इंडिकेट्स टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू। तो फोर्थ बैंड, मैंने आपको बोला वो तीन चीजें याद रखनी है अपने, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड पढ़ा आप लोगों ने, गोल्ड 5% था, सिल्वर 10% था, नो कलर वॉज योर 20%। तो ये वो फोर्थ बैंड है, ये रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या, आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है आपकी रेजिस्टेंस की, आप कितना उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी, ये रहेगा आपका उसमें। इज दैट क्लियर? फर्स्ट सिस्टम में क्या है, ए सेट ऑफ कलर्ड कोएक्सियल रिंग्स और बैंड्स प्रिंटेड ऑन द रेजिस्टर, जो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ब्लू ले लिया आपने, ब्लू इज 4-5, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन 5, सिंपल। सेकंड बैंड आपने रेड ले लिया, फिर बीबी रॉय 2-0-1-2। थर्ड बैंड पावर ऑफ 10, आपने ब्राउन ले लिया, बीबी रॉय में बी ब्लैक बी ब्राउन 10^1। और फोर्थ बैंड गोल्ड, सिल्वर या फिर आपका रहने वाला है नो कलर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम यहां से। चलिए अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा फोर बैंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम चार बैंड्स का मीनिंग भी देख लेते हैं क्या है। अब आपके लिए डायग्राम सी बनाई है मैंने, आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है आपका। उस जो पहली डायग्राम थी जो आपकी,
जो मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको कार्बन रेजिस्टेंस की, अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाने की कोशिश करी है। देखिए फर्स्ट बैंड जो है वो फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट करेगा। अगेन मैं आपको वो दोबारा से आपको मैं वो याद करवाना चाहूंगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो अभी यहाँ पे हम कलर कोई नहीं देखेंगे, अभी हम कलर की कोई बात नहीं करेंगे। तो पहला बैंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड बैंड योर सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड इज योर डेसिमल मल्टीप्लायर, 10^0, 10^1, 10^2, सो ऑन, एंड फोर्थ बैंड इज योर टॉलरेंस, परसेंटेज एक्यूरेसी। याद कीजिए उस चीज को, परसेंटेज एक्यूरेसी, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, इन तीन यही बैंड होंगे। और जो हम थर्ड बैंड की बात कर रहे हैं, थर्ड बैंड में भी आपके पास गोल्ड सिल्वर हो सकता है बट नो कलर नहीं होगा। थर्ड बैंड गोल्ड सिल्वर रिप्रेजेंट्स योर 10^-1 एंड 10^-2, लेकिन वही गोल्ड सिल्वर जब आपके फोर्थ बैंड पे चला जाएगा, दैट विल रिप्रेजेंट योर परसेंटेज एक्यूरेसी और यू कैन से द टॉलरेंस। देखिए कैसे, अभी हम एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैंने चार बैंड बनाए हैं, पहला बैंड रेड है, दूसरा बैंड रेड है, तीसरा बैंड ब्राउन है और चौथा मैंने गोल्ड लिया है, ठीक है, टॉलरेंस गोल्ड ली है। तो अगर हम बीबी रॉय के हिसाब से चलें, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, ब्लैक इज फॉर 0, ब्राउन इज फॉर 1, रॉय आर इज रेड, रेड इज 2, देखिए मैंने रेड इक्वल टू 2 लिखा है, सेकंड बैंड भी रेड है उसको भी 2 दिया है, थर्ड बैंड हमारा ब्राउन है तो वो 1 हो जाएगा, 10^1, ठीक है। और जो फोर्थ बैंड है वो गोल्ड है, तो गोल्ड की परसेंटेज एक्यूरेसी क्या थी हमारे पास, 5%। तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड 22 और थर्ड इज मल्टीप्लायर 10^-1 और जो उसकी जो परसेंटेज है वो 5% आपकी गोल्ड की आ गई। क्लियर हुआ, फिर से एक बार देखते हैं हम उसको। रेड जो है उसका नंबर 2 है, हमने 2 से लिखा, फिर दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो भी आ जाएगा और जो मल्टीप्लायर है वो ब्राउन है वो 10^1 रहेगा और जो गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो 5% है, वो हमने यहां पर बना दी। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट बैंड मैंने येलो लिया है, सेकंड बैंड वायलेट लिया है, थर्ड बैंड ब्राउन लिया है, फोर्थ बैंड सिल्वर लिया है। आपको यहां व्हाइट तरह दिखेगा, व्हाइट नहीं बचा, ये सिल्वर है, तो ये सिल्वर की तरफ ध्यान दीजिएगा इसको। तो येलो का क्या कलर था, देखिए अपने कॉपी के ऊपर जो आपने अभी जॉट डाउन किया है, जो आपने लिखा है, येलो इज इक्वल टू 4, वायलेट इज इक्वल टू 7, ब्राउन की 1, तो 47 × 10^1 ±10%, क्योंकि सिल्वर आपका 10% रहता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक और ले लिया हमने, तो इसमें भी येलो है, वायलेट है सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड रेड है, फोर्थ बैंड नो कलर दिया है। आपको यहाँ येलो दिखेगा, वहां पर आप देखेंगे तो डार्क ग्रीन कलर है, तो ये डार्क ग्रीन है, ब्लू की वजह से शायद वो येलो सा हो गया यहाँ, तो ये नो कलर है, नो कलर को रिप्रेजेंट किया है। तो आपका जब कभी भी आपको रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि नो कलर वाली भी रहेगा, फोर्थ बैंड वहां पे अवेलेबल ही नहीं होगा। तो ये ऐसे रहेगा आपका इलस्ट्रेशन। तो येलो, फिर से वही माइंड में, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो हमें याद रखना है। तो मल्टीप्लायर वैसे उसी हिसाब से हमारा आ जाएगा, कम ज्यादा कैसे करना है। तो आई होप ये मजेदार चीज है जो आप देख पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है। तो सिंपल क्या है, पहले हमें कलर देखना है, बैंड्स देखने हैं और जानना है कि वो क्या बैंड्स बनेंगे और फिर मल्टीप्लायर। सिंपल, जब हमें कलर्स याद हो गए तो हम आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन में उल्टा दे दिया जाता है, हमें दे दिए जाते हैं कलर्स, दे दिए जाते हैं या वैल्यू दे दी, जैसे हमें वैल्यू दे दी, यही वैल्यू दे दी अगर हमें 47 × 10^2 ओम ±20% आइडेंटिफाई द बैंड्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो नो कलर है 20%, ये हमारे दिमाग में आ जाएगा, रेड है तो ऑब्वियस है 10^2 इज रेड, 2 रेड है, वायलेट इज 7, येलो इज 4, तो हम उल्टी वाइस वर्सा भी चल सकते हैं, उल्टी डायरेक्शन में भी चल सकते हैं कि हमारा जो कलर है
अगर हमें रिजल्ट दे दिया कि ये ओम इतने ओम आपका रेजिस्टेंस है, बैंड्स की वैल्यू जानिए या कलर्स के बारे में बताइए, तो हम कलर्स निकाल सकते हैं। और अगर हमें कलर्स दे दिए तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये इसकी ये वैल्यू है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको इन दो तीन इलस्ट्रेशन से। बाकी आप अपने बुक में देखिए, आपको समझ आएगा। और अब सेकेंड सिस्टम पे चलते हैं हम कलर कोडिंग के। सेकेंड सिस्टम इज ए डिफरेंट वन, थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। उसमें चार बैंड्स थे, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी है, जो रेजिस्टेंस की जो बॉडी होगी, चलिए हम पहले बात करते हैं ऐसे। कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कलर ऑफ एंड गिव्स द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, कलर ऑफ डॉट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस, एंड कलर ऑफ रिंग गिव्स द टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंट ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू। वहां पर क्या था, किसी भी कलर की बॉडी थी, लाइट ब्राउन, लाइट येलो, लाइट ग्रे, कोई भी, और उसके ऊपर कोएक्सियल रिंग्स थे और हमें उन बैंड्स की वैल्यू को देखना था। लेकिन यहां पर आपकी बॉडी जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर कोई आपको लाइट कैमल कलर या कोई ऐसा उल्टा सीधा कलर नहीं दिखाई देगा, आपको वो जो नौ कलर्स हैं उन्हीं कलर्स के हिसाब से आपको पूरी बॉडी बनी होगी आपके रेजिस्टेंस की। और एंड्स के जो कलर होंगे वो अलग होंगे, दोनों एंड्स पे वो कलर्ड अप होंगे, और एक डॉट होगा बीच में जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीरोस, लाइक योर मल्टीप्लायर, या नंबर ऑफ जीरोस लिखा है तो वो मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा बच्चे। और जो रिंग के अक्रॉस एक कलर रिंग बनी होगी उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो टॉलरेंस या एक्यूरेट वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी हमें देगी। चलिए अब हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं, वो हमें क्या बता सकती है। देखिए बच्चे जी, देखिए अब आप यहाँ डायग्राम आपकी, अब देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कलर ऑफ द बॉडी। कलर ऑफ द बॉडी किस कलर की है, क्रीम कलर, लाइट क्रीम रखा है, ये आपके समझने के लिए है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें किस तरह से उसको देखना है। तो कलर ऑफ द बॉडी एक रहेगी, वो आपकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। सपोज कलर ऑफ द बॉडी इज रेड, तो वो टू हो जाएगा। अगर कलर ऑफ द बॉडी इज ग्रीन, वो सेवन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, ग्रीन सेवन नहीं भी है तो ये मत सोचिएगा सेवन ही है, बीबी रॉय से हम देख सकते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, उसी हिसाब से। ठीक है, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर है एंड्स, दोनों एंड्स जो हैं वो आप देखेंगे वो ब्लू कलर के हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक आपके पास दोनों एंड्स जो हैं वो ब्लैक है, तो वो जीरो हो जाएगा बच्चे, और अगर ब्राउन है तो वो वन हो जाएगा, और डॉट है वो मल्टीप्लायर। डॉट मैंने यहाँ येलो रखा है, अब यही डॉट आपका ग्रीन है, व्हाइट है, अगर व्हाइट है तो 10^9 हो जाएगा वो। ठीक है, और टॉलरेंस यहाँ पे मैंने ब्लैक रखी है, तो ब्लैक इसलिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन टॉलरेंस आपकी तीन चीजों में रहने वाली है, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। गोल्ड इज +-5%, सिल्वर इज +-10%, एंड योर नो कलर इज +-20%। तो ये आपका जो है सेकेंड सिस्टम है कलर कोडिंग का फॉर ए कार्बन रेजिस्टर। तो यहाँ पर कोई बैंड्स नहीं है, यहाँ पर बॉडी पूरी कलर्ड होगी, दो एंड्स डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट कलर नहीं, लेकिन एंड जो होगा रेजिस्टर का वो अलग कलर का होगा, और जो एक रिंग होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी टॉलरेंस, और जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर, मतलब कितनी रेस टू पावर, 10^10 आपको किस से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन रखी है आपके लिए मैंने, तो यहाँ पे कलर ऑफ द बॉडी इज येलो, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है बॉडी इज इक्वल टू येलो इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, और उसके बाद वायलेट के जो दो एंड्स हैं, वायलेट के जो एंड्स हैं, वायलेट इज 7, तो 7 लिख दिया वहां, और डॉट जो है वो ग्रीन कलर का बनाया है, तो ग्रीन इज 5। कलर कोडिंग का जो टेबल है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो बदल गया है आपका सेकंड सिस्टम में कुछ और तरह से है। और रिंग जो है वो मैंने सिल्वर का रखा है, तो वो +-10% होता है। तो अब आप देख लीजिए, बॉडी जो थी वो पहली सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करती थी, तो उधर हमने 4 लिख दिया। वायलेट जो है वो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड जो थे वो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको मैंने 7 दे दिया। जो डॉट है वो ग्रीन कलर का है, वो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10^5 आ गया। और जो सिल्वर है
वो प्लस माइनस 10 आ गया क्योंकि वो टॉलरेंस है। तो अब आप देखिए अभी तक जो हमारी जो रेजिस्टेंस थी जो हम पहले करते आ रहे थे वो फ्यू ओम्स की थी। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको लिखें तो हम इसको 4.7 × 10⁶ ओम लिख सकते हैं, तो ये मेगा ओम की रेंज में आ गई। तो आप देखिए कंपैक्ट फॉर्म में यू आर एबल टू पुट अप ए वेरी बिग रेजिस्टेंस। आप एक कंपैक्ट फॉर्म में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को किसी भी एक सर्किटरी में लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितनी करंट वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर और बहुत इंटरेस्टिंग सा रहा होगा ये सब समझने में। तो पहला सिस्टम है आपके कार्बन रेजिस्टर का, जब आप बैंड्स लेते हैं तो हो सकता है। सेकंड सिस्टम है जब आपके पास रिंग है, पूरी बॉडी कलर्ड है, तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जिसको आप समझ पाएंगे, अच्छी तरह से देख पाएंगे, पर करिएगा, ट्राई करेंगे तो ही आपको ये अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लाइक योर रेजिस्टेंस इन सीरीज आ गया। हमने बोला था कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है? सिंपल सी डायग्राम बनाइए, देख रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम बनी है हमारी। V इज द पोटेंशियल, जो एक सेल है जो हमारे को एक पोटेंशियल देगा, जो एक सोर्स है जो कंटिन्यूसली करंट सप्लाई कर रहा है, और V1, V2, V3 लिखा है मैंने यहाँ पर, कि जो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस है उनका अपना एक इंडिविजुअल ड्रॉप रहेगा और जो करंट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। तो एक चीज इसमें याद रखनी है, जब कभी भी आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करें तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी रेजिस्टेंस इन सीरीज में कनेक्ट होती हैं, करंट थ्रू आउट द सर्किट हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आती। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। जैसे अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ओम्स लॉ में भी बताया जाता है फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है, ठीक है, लेकिन अगर आप एंड्स पे लेंगे फॉल ऑफ पोटेंशियल वो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप जब उसको रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वो अलग अलग होगी। सपोज 3 वोल्ट की है हमारी सेल, तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो जो R1 R2 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है अगर वो बराबर है, करंट भी बराबर है, तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो 1 वोल्ट का रहेगा तीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए हम जरा इसको पढ़ते हैं। व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3, योर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है वो ये है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया जब हमने उन सबको एड अप किया। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो जब हम उसको एड अप करेंगे 3 + 2 + 1 = 6 ओम, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर्ड टू ओवर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है अच्छी तरह से। अब देखिए इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, और वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिया है, और जब सिंपल सा ओम्स लॉ का हमने रिलेशनशिप यूज किया है V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR आ गया थ्रू आउट जो आप एक सेल ले रहे हैं। V1 इज इक्वल टू IR1, करंट कॉन्स्टेंट है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, ये याद रखिएगा। V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, और जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, विल गेट दिस रिजल्ट, IR इज इक्वल टू IR1 एंड सो ऑन, और I कॉमन लेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सब हमने पढ़ा है लेकिन उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है क्या चीज हमने एक चीज में देखी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर होगी आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, और दूसरी चीज कि करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द सर्किट, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 3 रेजिस्टेंसेस के क्रॉस, 4 रेजिस्टेंसेस के क्रॉस, 1 रेजिस्टेंस के क्रॉस वो अलग अलग आएगा। अब एक एग्जांपल ली है मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने R1 इज इक्वल टू 2 ओम लिया है, R2 इज इक्वल टू 4 ओम लिया है, और R3 इज इक्वल टू 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जो एक फॉर्मूला है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का, जो हम उसमें याद रख सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम इक्विवेलेंट टू 11 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, वो बड़ा है सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। हम इसको बड़े तरीके से समझ सकते हैं, हम एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं, हम नॉर्मल एक न्यूमेरिकल लेके उसको समझ सकते हैं, हम एक नॉर्मल कोई एक डायग्राम में खुद अपने वैल्यूज डाल के समझ सकते हैं कि ये उस तरह से आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब कभी भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस को एक अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा कि जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस बराबर और उतना उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस 3 वोल्ट आता है, तो वो सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस 3-3 वोल्ट ही आएगा, अगर हम 9 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पर दे रहे हैं किसी भी सर्किट में। तो यहाँ पर एक छोटी से एनिमेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो बराबर रहता है। तो यहाँ पर हम 3 रेजिस्टर ले लेंगे, या हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, हमने अभी इसको यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से देख रखा है। अभी हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 10 ओम। तो हम इसको बढ़ाने की या कम करने की कोशिश करते हैं, चलिए अभी हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको हम 9 पर ले जाते हैं, तो हमने इसको 9 ओम पे फिक्स कर दिया। एक और रेजिस्ट, अब हम इसको एक कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पे ये हमारी कनेक्टिंग वायर आ गई, और एक रेजिस्टेंस और ले लेंगे और यहाँ पे इसके साथ जोड़ देंगे, और इसकी भी वैल्यू हम 9 कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये हमने 9 कर दी, और फिर से हम इसको एक कनेक्टिंग वायर लेंगे और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस और लेंगे ताकि हम देख पाएं कि हमने जो रेजिस्टेंसेस ली हैं वो टोटल तीनों की वैल्यू जो है बराबर है, 9 ओम उनकी वैल्यूज हैं तीनों की। अगर आप इनको इन टर्म्स ऑफ सिंबल देखना चाहते हैं तो हम उनको सिंबल की तरफ ले आते हैं, तो ये सिंबल आ गया, ये हमारे 9 ओम के 3 रेजिस्टर हैं जो हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। तो अभी हम इसको कलर कोडिंग के हिसाब से ही रखते हैं यहाँ पर, जो एक कार्बन रेजिस्टर है, जो हमने पढ़ा है कार्बन रेजिस्टर के बारे में क्या होता है, तो हमें कार्बन रेजिस्टर की तरह रखते हैं। अब एक और कनेक्टिंग वायर लेंगे हम यहाँ से और इसको कनेक्ट करेंगे इधर, और यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, और फिर से एक कनेक्टिंग वायर लेके इसको हम आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर एक स्विच ले लेंगे ताकि जब हम स्विच को ज्यों ही प्रेस करें तो हमारी जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। और अब हम एक बैटरी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू ही 9 वोल्ट है, यहाँ पर हमने देख लिया। तो इसका मतलब अगर 9 वोल्ट बैटरी है तो हमारे तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस 3-3 वोल्ट का जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। चलिए जोड़ लेते हैं इसको हम किसी तरह से, हमने इसको जोड़ा है अपने एनिमेशन के हिसाब से, हम इसको जोड़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर से एक कनेक्टिंग वायर ले ली हमने और हम इसको जोड़ देंगे सेल के साथ, जोड़ दिया और हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर, और एक वायर और एक कनेक्टिंग वायर और ले लेते हैं और ये हमने जोड़ दिया। अब आप देखिए सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि स्विच ओपन है। तो स्विच को जोड़ते हैं, अब आप देखिए करंट मूव कर रही है, स्लोली करंट जो है मूव कर रही है। तो हमारी जो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है, जो हमारे सप्लाई दी जा रही है हमारे सेल के द्वारा, वो है 9 वोल्ट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टर वो 3 वोल्ट होना चाहिए। तो एक वोल्ट मीटर मैंने लाया, सबसे पहले हम एंड के अक्रॉस देख लेते हैं कितना पोटेंशियल ड्रॉप आता है, क्योंकि वो तो सम होकर ही तीनों का आएगा। तो 9 वोल्ट जो है हमारे को यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम ऊपर वाले एंड्स के अक्रॉस करके देख लेते हैं वहाँ पर कितना आ रहा है।
वहाँ पर भी 9 वोल्ट आ रहा है। तो अब हम रेजिस्टेंस और यू कैन सी द पोटेंशियल ड्रॉप हम देखेंगे पहली रेजिस्टेंस पे कितना है। तो ये हमने यहाँ पर लाया और दो जोड़ा 3 वोल्ट। अब हम अगले वाले पे जोड़ कर देखते हैं सेकेंड रेजिस्टेंस पे 6 वोल्ट, तो 3 + 3 = 6। यहाँ पर ये आ गया, इसको हम इसको लीड को दोबारा से इस तरफ लेके आते हैं, देखें ये भी 3 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये 3 वोल्ट आया तो इसका ये पता, इससे ये पता चल जाएगा हमें, ये भी 3 वोल्ट आया, कि जो हमारी रेजिस्टेंसेस हैं जब कभी भी हम उनको सीरीज के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो जो फॉल ऑफ पोटेंशियल रहता है वो बराबर रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। तो तभी हम वहाँ पर लिखते हैं कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। तो यहाँ तक ये हमारे को ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं हम स्विच को ओपन कर देते हैं, ओपन किया कोई वोल्ट कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है, तो I की वैल्यू V बाय R हो जाएगी। तो V की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 9 वोल्ट और जो हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस है दैट इज 27 ओम्स। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/27, तो हमें 0.33 मिलना चाहिए। तो अभी देखते हैं हमारे को 0.33 मिलता है क्या, जो हमने ये सर्किट बनाया है वो बराबर है। तो एक एमिटर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको कट करते हैं सर्किट को और एक एमिटर को यहाँ पर हम कनेक्ट कर, देखिए हमारे को यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है दैट इज योर 0.33 एम्पेयर। अब इस बार हम दोबारा से समझते हैं, हमने इसको स्विच को पहले ओपन करा और उसमें देखा कि कोई भी करंट, ये जो आपके ब्लू डॉट्स जो मूव कर रहे हैं दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, मूव करते हैं हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारी है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ होती है, कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव टू, आप देखिए ये आपके एरोज आ गए, दे आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे को कन्वेंशनल करंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक करंट का भी। तो अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट में उसको ले आए और दोबारा से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से कलर कोडिंग की फॉर्म में ले आते हैं। तो अब आप देखिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं उनका जो फॉल ऑफ पोटेंशियल रहेगा वो इक्वल रहेगा 3 रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, और जो करंट है वो होगी सम ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अप्लाइड बाय योर बैटरी और ए सेल। अभी तो हमने यहाँ पर सेल लिया है, तो क्यों ना ऐसा करें हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। तो देखेंगे जो जो हमारी वोल्टेज बढ़ेगी हमारी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये देखिए हमने इसकी वैल्यू 18 तक ले ली, और अगर हमें 1 एम्पेयर करंट चाहिए तो आई थिंक हमें 27 तक लेके जाना पड़ेगा। देखिए 27 वोल्ट। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंसेस R1 + R2 + R3 एंड द वोल्टेज इज 27 वोल्ट्स, और जो हमें यहाँ पर जो वैल्यू है मिलेगी वो 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगी। ये लिए सिंबल के हिसाब से हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं। तो इन केस ऑफ योर रेजिस्टेंसेस जब वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो वो हमेशा उसके अंदर जो करंट फ्लो होती है वो एक जैसी रहती है थ्रू आउट द कंप्लीट सर्किट, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द गिवन रेजिस्टेंसेस वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर हम देखना चाहें तो अगर 27 है तो हर एक के अक्रॉस 99 वोल्ट का हमारे वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। तो क्यों ना हम चेक करें एक बार ताकि हमें भी थोड़ी सी उस चीज़ को हो जाए कि हाँ भाई कि हमें एक क्लैरिटी हो गई है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 9 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 27 है, 3 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट 1 एम्पेयर जो थ्रू आउट फ्लो करेगी। ये देखिए 18 हो गया क्योंकि 2 वाले ले रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से 9 वोल्ट और अब हम फिर से एक यहाँ पर ले आते हैं और फिर से हम इसको यहाँ ले आते हैं और फिर से ये 9 वोल्ट। तो ये 9 वोल्ट हमारा यहाँ पर बराबर रहेगा। तो 27 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा
जब भी हम कभी भी रेजिस्टेंस को सीरीज। चलिए नेक्स्ट इज योर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अब आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल रिमेंस द सेम बट द करंट डिस्ट्रीब्यूट्स R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3। तो आप देख लीजिए R1, R2, R3, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। फॉलो पोटेंशियल विल रिमेन द सेम अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए गिवन सर्किट। तो आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको समझने में। तो करंट इज I, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तीन पार्ट में। तो इसको समझते हैं जरा। When the resistances are connected in parallel, the equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistances. तो equivalent is 1 by R रहेगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. अभी हम आगे इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे derive किया है। दूसरी, the equivalent resistance should be always less than the individual resistance connected in parallel. Interesting सी चीज़ है कि आपने जो रेजिस्टेंस अब पैरेलल में कनेक्ट किया, अगर आप एक ओम की रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं तो वो उससे भी कम आएगा रिजल्टेंट जो होगा हमारा। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू द सर्किट बट करंट डिस्ट्रीब्यूट्स। सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। सो वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा। So I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and so on. और V by R, तो जो हमारी जो equivalent resistance है, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो ये आ गया हमारा resistances in parallel का result जो हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने यहाँ तीनों resistance बराबर रखी हैं। एक example है, एक illustration है आपके लिए, देखिए जरा। 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. तो जब हम सबको add up करेंगे, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. तो क्या बना? 3 by 3 बन गया। तो 1 ohm. तो देख लीजिए बेटा जी, resistance in parallel क्या है? Equivalent जो individual resistance है उससे भी कम आई है हमारे पास। So the equivalent resistance is less than the individual resistance in case of your resistance in parallel. तो एक नई चीज अभी तक हम पढ़ते आए थे, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on जो होता है। लेकिन अब हमें एक चीज पता चली कि वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर होगा। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए आपको इसको समझने में। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अभी हम यहाँ पर एक सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। तो अब जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस ली हैं जिनको मैंने पैरेलल में रखा है। तो अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को मैं कनेक्ट करूँगा। इसको हम सिंबल फॉर्म में देखना चाहें तो हम सिंबल फॉर्म में भी देख सकते हैं। चलिए अभी हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में ही रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम तीनों रेजिस्टेंस को बराबर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ 10 ओम है तो हम तीनों रेजिस्टेंसेस को 9 ओम पे फिक्स कर देंगे। तो ये 9 ओम और ये 9 ओम पे हमने तीनों रेजिस्टेंसेस फिक्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे, वायर लेंगे और वायर से अब हम इन सबको जॉइन करेंगे। और ये वायर्स आ गई हमारी, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको जॉइन कर दिया, इसको भी जॉइन कर दिया, और ये ऐसे जॉइन करेंगे इसको, यहाँ से ऐसे जॉइन, चलिए इसको से ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी जो रेजिस्टेंसेस हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आई होप ये सब क्लियर रहा होगा आपको, समझने में कोई मुश्किल नहीं आ रही है। तीन रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इनके अक्रॉस एक एक एमीटर लगा देते हैं ताकि हम देख पाएं कि करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है या नहीं होती है। एक एमीटर हमने इसके साथ लगा दिया और एक एमीटर वहाँ पर, और एक एमीटर हम यहाँ पर भी लगा देते हैं ताकि हमें समझने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो
एक रेजिस्टेंस हमने, एक एमीटर हमने यहाँ पे भी लगा दिया, एक एमीटर, तीनों के साथ हमने एमीटर लगा दिया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो करंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन टर्म्स ऑफ तार लाइन, ठीक है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं विद अ सेल, और सेल की भी जो वैल्यू है उसको हम फिक्स कर लेते हैं, इट इज ऑफ 9 वोल्ट। तो ठीक है, अब आप देखिए ये 9 वोल्ट का हमने सेल लगाया है और 9 ओम जो है वो हमारी वैल्यू है हमारे उसकी रेजिस्टेंस की। तो तब तक जब तक हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्यों ना आप सब लोग कैलकुलेट करें कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना रहेगा। तो अगर मैं आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल का सीरीज पैरेलल में बताऊं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपकी 3 ओम रहने वाली है, बिकॉज 9 है, 9/3 9 है, तो 3/1/9 + 1/9 गिव्स यू 3/9। जब आप उसको करेंगे 9/3 होगा तो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। और करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट इज V/R, वोल्टेज इज योर नाइन वोल्ट्स। तो जब हम 9 वोल्ट्स की बात कर रहे हैं, 9 ओम आपकी रेजिस्टेंस आ गई, 9 ओम रेजिस्टेंस आ गई, वोल्टेज इज योर 9 वोल्ट्स, ठीक है। तो I = V/R रहेगा, V/R जब हम करेंगे, क्योंकि R की वैल्यू जो है वो 3 ओम आई और जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट्स है, तो 9/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एम्पीयर। तो अब आप देखें आपके एमिटर पर, यहाँ पर जो आपकी जो करंट फ्लो कर रही है वो 1/1 एम्पीयर है, 3 ब्रांच में 1-1 एम्पीयर डिवाइड हो गए। तो क्यों ना हम इस बैटरी के अक्रॉस भी एक एमिटर लगाते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए क्या वाकई ही 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। देखिए जी, अब आप देखिए यहाँ पे आपकी जो करंट है वो 3 एम्पीयर फ्लो कर रही है, तो वही करंट जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है 1 एम्पीयर फर्स्ट ब्रांच में, 1 एम्पीयर सेकेंड ब्रांच में, 1 एम्पीयर आपकी थर्ड ब्रांच में। तो यहां से अगर हम देखना चाहें, हम ये बोलते हैं कि जो पोटेंशियल है वो बराबर रहता है थ्रू आउट एवरी कंपोनेंट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता जब कभी भी हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक वोल्टमीटर भी ले आते हैं, वोल्टमीटर को यहाँ साइड पे रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये 9 वोल्ट दे रहा है हमें। चलिए जी, 9 वोल्ट इज देयर, आई थिंक इट इज क्लियर कि इन केस ऑफ पैरेलल हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर रहता है। चलिए अब इस जगह पे रखते हैं, ये इधर रखा और ये इधर रख दिया। देखिए 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। तो ऐसा करते हैं, अब ज़रा इस कंपोनेंट के क्रॉस रखते हैं और इस इधर रखते हैं। देखिए देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स थ्रू आउट द सेम। अब सेकेंड वाले पे रख के देखें, चलिए सेकेंड वाले पे रख के देखा हमने, देखिए 9 है 9 वोल्ट। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी, जो हम पहले पढ़ रहे थे, जो हमने बोला कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट, देयर इज नो चेंजेस ओवर देयर। तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है थ्रू आउट द सर्किट रिमेन्स द सेम 9 वोल्ट, बट योर करंट डिस्ट्रीब्यूट्स टोटल सर्किट में से 3 एम्पेयर करंट जा रही है, 3 एम्पेयर आपको दिख रहा है यहाँ सबको, और जब वो ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दैट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ईच एंड एवरी पार्ट। आई थिंक इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इसको सिंबल फॉर्म में लेते हैं। तो देखिए आपके रेजिस्टेंसेस हैं, ये तो एमिटर वगैरह हैं, इसका सिंबल ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से वोल्ट मीटर हटा दिया, ठीक है। तो हम ज़रा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग ऑपोजिट इन रेड एरोस। तो ये एक चीज़ है जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ अवर पैरेलल सर्किट हमारी जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रह रहा है थ्रू आउट। आई होप ये आपको क्लियर रहा हुआ होगा, पूरा का पूरा समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो अगर अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ज़रा हटाता हूँ, तो आप देखिए आपकी रेजिस्टेंस जो है
वो कलर कोडिंग की फॉर्म में है। दिख रही है आप लोगों को, वाइट, ब्लैक, येलो, गोल्डन। तो नॉर्मल नॉमिनल सी रेजिस्टेंस ली है उसमें हमने 9 एम्पेयर। तो कलर कोडिंग के हिसाब से ये आपका कार्बन रेजिस्टर आ गया, और जब हमने इसको सिंबल की फॉर्म में लिया तो ये आपका सिंबल आ गया। तो दिस इज हाउ योर सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बार फिर से आप इसको देखिए, समझिए अच्छी तरह से, माइंड में बिठा लीजिए वो क्या बिठाना है। करंट डिस्ट्रीब्यूट्स, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, देर इज नो चेंज इन योर पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ योर पैरेलल सर्किट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर मैंने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रखा। अगर आप देखें, एक आर जो है वो वायलेट में है, एक आर जो है वो आपका ब्राउन में है, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस और दो सब रेजिस्टेंसेस यहां पे बराबर है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। आर के बराबर है सबकी सब रेजिस्टेंस, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो सेकंड का जब आप इक्विवेलेंट लेंगे, 1/R + 1/R इज इक्वल टू 2/R, सॉरी R/2 हो जाएगा, क्योंकि वो 2/R रहेगा, तो 1/R जब हम लेंगे तो वो 2/R R/2 हो जाएगा। R/2 हो गया तो R + R/2। अब ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट था वो सीरीज में आ गया, क्योंकि इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने, तो फर्स्ट और सेकंड का जो हमने लिया वो इक्विवेलेंट लेके हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया। और जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया तो आर सीरीज इज इक्वल टू R + R2 3/2R, तो 1.5 रहेगा। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से समझिए। अभी आपने ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो देखा, सिंपल था, क्लियर, और आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कब रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। तो एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए अच्छी तरह से, कि जो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो सेकंड सेक्शन में है, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R/2 है, और वो जब इक्विवेलेंट बनेगा वो सीरीज में आ जाएगा आपका फर्स्ट सेक्शन के साथ, जो हमने वायलेट कलर की डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। जब हम उन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, वो बनता है R + R/2, और वो बन जाएगा 3/2R। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि कैसे हम मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बना सकते हैं, और जो करंट है वो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हमारी ओम्स में रहेगी। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अगर आप देखिए, ए के बाद जो हमने यहाँ रेजिस्टेंस बनाई है, उसके बाद आपकी जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होके R2 के बाद जा रही है। तो इसका मतलब जब कभी भी आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, व्हेनेवर योर करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपकी वो जो रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में रहेगा। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि वो हमेशा पैरेलल में रहेगा, उसमें कोई भी सीरीज में नहीं आ सकता, क्योंकि सीरीज के केस में आपका सिर्फ पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। सिमिलरली जो R1 और R2 के बीच में जो बी पॉइंट है, वहां से वो कट होके सी की तरफ जा रहा है R3 के बाद, तो वहां पर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो दोनों रेजिस्टेंसेस आपकी पैरेलल हो जाएंगी R1 और R2 के साथ। तो जहां कहीं पर भी, वही पॉइंट आ गया यहां पे फिर से, कि जहां कहीं पर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारी जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में रहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाया है उसका R1, R2 और R3, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमने यहाँ पर उसको फॉर्म में लिखा है। एग्जाम्स में ऐसा कॉम्बिनेशन जब कभी भी आपको दिखे जहाँ दो या तीन ब्रांचेस के बीच में आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसमें आप ये समझिएगा कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप देखिए, ए से फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बी पे आके फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पर R1 और R2 ऐसा लग रहा है कि अगर हम सीधा जाएंगे तो वो तो भी पैरेलल में आ रहे हैं, बट वो सीरीज में नहीं है, दे आर इन पैरेलल। और R2 और R3 दे आर ऑल्सो इन पैरेलल, बिकॉज करंट बी पॉइंट पे भी R2 के ऊपर वाले पॉइंट पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टूवर्ड्स द सी। तो कॉम्बिनेशंस जो हैं आपके, देख लीजिए, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, दे आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सबके सब जगह पे, तो ये जो आपके कॉम्बिनेशन रहेंगे ये आपका पैरेलल में रहेगा,
तो पिछला कॉम्बिनेशन और अगले वाला कॉम्बिनेशन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल है, खुद थोड़ा सा देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। R1 और R2 पे कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो दे आर इन सीरीज एग्जैक्टली। और R3 पे आप देखिए वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो पैरेलल में आ जाएगा। तो R1 प्लस R2 जो है वो सीरीज कनेक्ट होगा R3 के साथ पैरेलल में, और जो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो सिंपल फॉर्मूला हम लगाएंगे और वो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। तो आई होप ये आपको कॉम्बिनेशन समझ आए होंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज या रेजिस्टेंस इन पैरेलल किस तरह से है, सारा का सारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सब का सब हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। तो जब कभी भी अभी तक जो हमने पढ़ा कलर कोडिंग क्या है, कार्बन रेजिस्टर्स क्या हैं, और कलर कोडिंग में आपको बहुत दो तरह के तरीके पढ़े आपने कि दो सिस्टम्स हैं, एक में कोएक्सियल हमारा बैंड्स रहते हैं, एक में पूरी बॉडी जो है वो कलर्ड रहती है और उसमें एक डॉट होता है जो रिप्रेजेंट करता है, और हमने उसको याद कैसे रखना है कलर कोडिंग को वो हमने समझा। तो ये सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें आज हमने नहीं सीखी इसमें। हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमारी करंट जो है वो सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है, और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमने कुछ एनिमेशंस के थ्रू भी देखा। हमने खुद अपना एक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया, वहाँ हमने देखा कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये सब चीज़ें आज हमने सीखी और आई होप हमें अच्छी तरह से समझ आई होगी, और हम इसको अपनी बुक्स खोलेंगे, देखेंगे किस तरह से हमने इसको करा है। और आई होप आप सब लोग अपने घर पे हैं, स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।